घर में सुबह सुबह हुआ है बड़ा बवाल और एक बार फिर से अर्चना जो है वो प्रियंका को परेशान करने की कोशिश करती हुई नजर आई है। बहुत स्वागत है आपका टीवी विंडो पर। आपके साथ मैं हूँ दीपिका भटनागर और यहाँ अभी आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ लाइव फीड में देखने को मिला है, किस तरह से अर्चना जो है वो एक बार फिर से प्रियंका को परेशान करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ वो प्रियंका के खिलाफ प्लान कर रही है और किस तरह से इसकी उनकी ये जो प्लानिंग है ये अफेक्ट कर रही है बाकी घर के सदस्यों को भी। पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। देखिए, अर्चना और प्रियंका के बीच लंबे समय से घर में लड़ाई चल रही है और अर्चना बहुत कुछ गलत प्रियंका के साथ ऑलरेडी कर चुकी है और करने की कोशिश भी करती रहती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ऐसे में आज सुबह अर्चना और सौंदर्या जो है वो ब्रेकफास्ट बना लेती हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टिव मेंबर्स का, यानी कि जो लोग प्रियंका के साथ जुड़े हुए हैं या खुद प्रियंका का, उनका ब्रेकफास्ट वो नहीं बनाती है, छोड़ देती है। ये वो जानबूझकर करती है। बाकी सारे लोगों का ब्रेकफास्ट वो बना लेती है, लेकिन प्रियंका, सुजिता, शालीन और टीना, इन चारों लोगों को ब्रेकफास्ट नहीं बना कर देती है। वो वहां से अपना काम करके चली जाती है और जब ये लोग आकर अपनी बात करते हैं तो सौंदर्या कहती है और बर्नर्स भी तो खाली है, जिसको जो करना है वो वहां कर सकता है। यानी कि ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश सुबह सुबह अर्चना करती है। इसके बाद टीना और प्रियंका ये लोग मिलकर ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। सबके रूम से जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो आती हैं, ब्रेकफास्ट बनना शुरू होता है, लेकिन बवाल इस बात पर मचता है कि भाई इतनी देर हो चुकी है तो ऐसा क्यों किया गया। इस पर शिव भी स्टैंड लेते हैं, बींग अ कैप्टन ऑफ द हाउस, और बात ये सब चलती है कि भाई अगर सब अपना ही अपना ब्रेकफास्ट बना लेंगे, अपने ही हिसाब से सबको काम स्प्लिट करना है, तो ड्यूटीज डिवाइड करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये सारी चीजें जानबूझकर की गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स के जरिए बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।